आप मुझे बताइए, इस पूरे रमजान के अंदर आपने दुआएं मांगी मांगी होंगी, सारे लोग मांगते होंगे, बताओ क्या क्या दुआएं मांगी, कौन कौन सी दुआएं मांगी? अल्लाह जन्नत दे दे, मांगा होगा, जहन्नम से आजाद कर दे, आजादी का मुतालबा किया होगा, अल्लाह मेरी रोजी में बरकतें दे दे, मुझे कारोबार और बिजनेस दे दे, मेरे बच्चों को इम्तिहान हो रहे हैं ना अभी बच्चों के, मेरे बच्चों को इम्तिहान में कामयाबी दे दे। लोग आते हैं हमारे पास, मौली साहब बेटी को मैं साइंस करा रहा हूं, साइंस में है, मेडिकल में है, मैं डॉक्टर बनाने का इरादा रखता हूं, साइंस में है, अल्लाह अकबर, मैं बहुत कुछ अपने बच्चों को बनाना चाहता हूं। कोई कहता है इंजीनियर बनाना चाहता हूं, कोई कहता है डॉक्टर बनाना चाहता हूं, कोई कहता है लेक्चरार बनाना चाहता हूं, कोई कहता है प्रोफेसर बनाना चाहता हूं, जो अल्लाह ने जिसको जैसी वसत और जैसी सोच दी है वो अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चों की दुनिया की फिक्र करते हुए उसे आला से आला तालीम देता है और दुआएं भी करता है, मौलाना लोगों से दुआएं भी करवाता है। मेरे भाई मुझे ये बताएं, इन तमाम अपनी दुआओं के अंदर जहां आपने अपने लिए दुआएं की है, अपने बच्चों के लिए भी दुआएं की होंगी, लेकिन ये दुआ आपने की कि अल्लाह मेरी औलादों को जहन्नम से आजाद कर दे, कोई एक शख्स हो इस महफिल के अंदर जिसने ये दुआ की हो कि अल्लाह मुझे भी जहन्नम से बचा, मेरी औलादों को भी जहन्नम से बचाना।